कोरोना के चलते खंडवा जिले में धारा 144 लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी थाना क्षेत्रों में सख्त निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक बाहर घर से निकलने पर दंडात्मक कार्रवाई कर क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को सख्ती से रोका जा सके। प्रशासन द्वारा ओंकारेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक 10 किलोमीटर पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रेन बसेरा बनाया था। अन्य स्थान को छोड़ जी स्थान को प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिससे परिक्रमा वासियों की परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर ओंकारेश्वर नगर परिषद के रेन बसेरे में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 17 मरीजों को रखा गया है, जिनमें से 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जो पिपलो थाने के थे। यहां से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। ओंकारेश्वर से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर में क्वारंटाइन सेंटर नगर परिषद के ठीक सामने रेन बसेरे में बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में 17 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा यहाँ ठहराया गया है, जिसमें इनको 2 टाइम खाना दिया जा रहा है, दोपहर को शाम को, और 2 टाइम चाय और नाश्ता दिया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में 9 लोगों को यहाँ से अभी रिलीव किया जाना है, जो कि थाना पिपलोद के निवासी हैं, उन्हें यहाँ से भेजा जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। वाले व्यक्तियों के चेक पोस्ट कोठी और ओंकारेश्वर वेलकम गेट के पास जो पुलिस विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद द्वारा स्थापित किए गए, उस पर बाहर के व्यक्ति द्वारा जो आए जा रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग में पहुंचाकर उनका चेकअप किया जा रहा है, और जो चेकअप उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि इनको क्वारंटाइन इन व्यक्ति को किया जाना है, उन व्यक्ति को यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जहाँ इनको ठहरने की व्यवस्था की जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपस्थित सभी हमारे जो 32 पेशेंट्स हैं, वो सभी सुरक्षित हैं, सभी उपस्थित हैं। सभी से अपील है कि किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाएं, और ये कोशिश की जाए कि लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा हम लोग पालन करें। जो अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति की बात है, उसमें जिला प्रशासन बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। यदि किसी को आवश्यकता है तो कॉन्टैक्ट करें, उस हिसाब से सप्लाई चेन को सुनिश्चित करें, पर किसी भी चीज को लेने के लिए स्वयं घर से बाहर नहीं निकलें। विशेषकर जो कंटेनमेंट एरिया में रहे लोग हैं, उनको इस चीज की हिदायत है, इस चीज की सलाह दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें। आज दिनांक खंडवा में 14 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो जिनकी सारी गलियां पैक हो चुकी हैं, और सारी जनता को इन कंटेनमेंट जोन्स में अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जिला, आपका कंटेनमेंट जोन सुरक्षित रहे, तो आप पर्सनल मूवमेंट बिल्कुल ना करें, व्हीकल मूवमेंट बिल्कुल ना करें। जो मिनिमम पॉसिबल आवश्यकता है, उसकी होम डिलीवरी के माध्यम से ही काम चलाएं, तभी हमारा खंडवा जिला और आपका कंटेनमेंट एरिया वहां से बाहर आ सकता है। जिले को ऑरेंज जोन, रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन जाने में नो न्यू केसेस फॉर 14 डेज एंड नो न्यू केसेस फॉर 14 डेज, इस तरह से 2 साइकिल्स पूरी करनी होती है, तो रेड से ग्रीन जाने में 28 दिन का सफर है। मेरी आप लोग सबसे अपील है कि पेशेंस रखें। कुछ हमें तकलीफें जरूर होंगी, जिन चीजों की हमें आदत है वो हम नहीं कर पाएंगे, और हम लोग भी ये बात समझते हैं। आप लोग से अपील है कि आप भी अनुशासित रहें, कंटेनमेंट एरिया के नॉर्म्स को फॉलो करें।